जसलीन, अगर इससे अलग हटके अगर मैं बात करूँ, बिग बॉस 13 आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस बार जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल भी चेंज हो चुका है. इस बार कॉमनर्स नहीं है, इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज ही होंगे. तो क्या कहोगे कि कॉमनर्स को मौका नहीं मिलेगा? देखिए, एक्चुअली ये बात मुझे पहली बात तो आपने बताई है और मुझे एक दो लोगों से और ये पता लगा है कि इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज़ हैं. बट ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट है ये. हर साल कॉन्सेप्ट चेंज होता है. पिछली बार हमारी टाइम पर विचित्र जोड़ी थी. फिर मैंने ये भी सुना है कि इस बार भाई और बहन का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें एग्जैक्टली अच्छा, वो दोनों भाई बहन हैं ये मुझे पता नहीं था. एज अ जोड़ी जा रहे हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि दोनों बीच में शादी भी करने वाले थे. बट ठीक है, एनीवे मैं नहीं बात करना चाहती इस बारे में. तो कॉन्सेप्ट है उनका और हर साल वो कुछ नया करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं. तो लेट्स सी इस बार क्या होता है. अगर सेलिब्रिटीज़ भी जा रहे हैं तो कौन जा रहा है, मैं तो वेट कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ मैं. अच्छा जसलीन, मतलब कहीं ना कहीं मेकर्स का शायद ऐसा हो सकता है कि जो कॉमनर्स थे वो कुछ खास नहीं दिखा पाए 12 में, मे बी शायद इसलिए वो इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही रख रहे हैं. आप क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि कॉमनर्स जितने आए हैं वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं. मुझे नहीं पता मेकर्स ने ये कहा भी है या किस वे में कहा है या जो भी है, मतलब सुनने में भी अगर ये आया है, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है. आई थिंक एक जो चीज़ मैंने हर बार यही कही है, जो बिग बॉस सीज़न 12 में जो रह गई थी पीछे, वो ये थी कि एंटरटेनमेंट के नाम पर अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा था. मैं एज एन ऑडियंस अगर इस शो को देखती हूँ तो फिर मैं ऐसा कुछ इंजॉय नहीं करूँगी जहाँ पे सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं. वो चीज़ मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही थी. एंटरटेनमेंट हो, मस्ती मजाक हो रही है, यू नो, लड़ भी रहे हैं, छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, तो एक अच्छे एंटरटेनिंग वे में हो कि लोगों को भी अच्छा लगे. तो इस साल आई होप ऐसा ही कुछ हो, और चाहे वो कॉमनर्स हो या सेलिब्रिटीज़ हो, उससे कोई मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता है. बट जो भी आए, आई रियली होप वो सबको एंटरटेन कर पाए. अच्छा, इस बार थीम में भी काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं. लोग ऐसे भी पहले कहते थे कि भाई बिग बॉस का जो घर है वो भूतों का अड्डा है, लोग डरते भी थे, बट इस बार जो थीम है वो हॉरर रखा गया है. क्या कहना चाहोगे? हॉरर रखा हुआ है, बाप रे. आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे टाइम पर ये नहीं था, नहीं तो फिर तो मैं शायद एक हफ्ते नहीं रह पाती. मैं तो, मेरी तो बैंड बज जाती, मैं इतनी बड़ी डरपोक हो जाती हूँ. इनफैक्ट वो एक उन्होंने नींबू वाला कुछ किया था जिसमें यू नो वो नींबू रख दिया था, मेघा से कुछ करवाया था जब कोई नया शो लॉन्च हो रहा था तभी, एंड उसी की वजह से मेरी जान निकल गई. मतलब रात को केवी बैठे हुए थे वहाँ पर अंदर किचन में, मैं उनको देख के भी डर गई. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. बट पता नहीं यार कैसे कर रहे हैं ये हॉरर थीम, कैसे वर्क करेगा, आई डोंट नो. अच्छा, अगर सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो पाँच नाम जिन सेलिब्रिटीज़ को आप बिग बॉस हाउस में देखना चाहते हो, आपके तरफ से नाम कौन कौन से होंगे? ये मत लो यार, आई एम नॉट थॉट, कुछ भी सोचा ही नहीं है. कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में इस वक्त. कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं देखना चाहूँगी, बट एक कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है. ऑनेस्टली नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में. बट नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी ना लहरे से, मैं ये सब सवालों के ना जवाब पहले से ही रेडी रखूंगी ताकि तुम लोग मुझे अटकाओ नहीं.